यार नीरज इतनी गर्मी, इतने हाई डोज ऑफ विटामिन डी मिल रहे हैं, चलो ना समर में कुछ कूल करते हैं। अबे रवि तुझे पता ही नहीं है, अपनी लैब में 7 सुपर कूल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 8 इंटर्न आए हुए हैं। वाओ ये कब से हुआ? चल आप तुझे मिलवाता हूँ, चलो। हाय गाइस, मुझे बनाना है सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये रोबोट को अगर पीछे धक्का देता हूँ तो अपने आप उसको बैलेंस करने के लिए उसके व्हील पीछे आ जाएंगे, और अगर मैं इस रोबोट को आगे धक्का देता हूँ तो अपने आप उसको बैलेंस करने के लिए व्हील आगे आ जाएंगे। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्टेपर मोटर, ये कंट्रोलर और ये बाकी सारी चिप सर्किट जो अभी फिलहाल पूरा ब्रेडबोर्ड पे बना हुआ है और जो अल्टीमेटली इधर पीसीबी पे आ जाएगा। मान लीजिए दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, जय एंड वीरू। उन दोनों को एक दूसरे के साथ चेस खेलना बहुत पसंद है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हैं। तो अभी उन दोनों को एक दूसरे के साथ चेस खेलनी हो तो क्या करें? सॉल्यूशन ऑटो चेस बोर्ड। इसमें क्या होता है, दो चेस बोर्ड हो गए, एक जय के पास होगा एक वीरू के पास होगा। तो जय अपनी जो चाल चलेगा वो वीरू के बोर्ड में इमिटेट हो जाएगा, और जो वीरू अपनी चाल चलेगा वो इधर जय के बोर्ड में इमिटेट हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट हाउ द एनिमेशन वर्ल्ड वर्क्स, हाउ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टू लाइफ? Well, Disney is currently doing a research on making such mechanisms using mechanical components that will bring about different types of motion to life. Well, this model is of one such mechanism. It is known as the clan mechanism. It works on the principle of a four-link mechanism but uses 6 links, and its final output is that it can imitate the natural walking motion of a spider. ये calculator और इसके बारे में आपको पता ही होगा। But आपको क्या इसकी history पता है? जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं थे तब लोग इसके कैलकुलेटर कैसे बनाते थे? तो हम ऐसे ही दो कैलकुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं जो टोटली मैकेनिकल कंपोनेंट से बना हो। ये अरिथमोमीटर ये 200 साल पहले सिर्फ मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज करके बनाया गया था, तो इससे हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन सिर्फ गियर्स की हेल्प से कर सकते हैं। और ये है कर्टा कैलकुलेटर, ये अरिथमोमीटर का मॉडिफाइड वर्जन है। इसको मॉडिफिकेशन के लिए साइंटिस्ट को 100 साल लग गए थे। इसमें हम लोग 6 डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस एरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑन अ रोबोटिक आर्म जो हमारे हैंड की तरह होता है। ये हर कोई काम कर सकता है जो हमारा हाथ कर सकता है, जैसे कि आरती कर सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, और तो और कोई चीज़ें भी उठा के रख भी सकता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। दिस सर्वो कंट्रोल्स एक्स कोऑर्डिनेट, दिस सर्वो कंट्रोल्स वाई कोऑर्डिनेट, एंड दिस सर्वो कंट्रोल्स जेड कोऑर्डिनेट। इसकी पोजीशन हम आर्डिनो से प्रोग्रामिंग करके देते हैं। मैं बना रहा हूँ एनिग्मा मशीन जो क्रिप्टोग्राफी के प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसमें हम डेटा को एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। 153 पर मिलियन की पॉसिबिलिटी के साथ हम इसके कोड को डिजाइन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टाइम यूज वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुआ था। इसी मशीन के कोड को डिकोड करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। अगर ये मशीन नहीं होती तो आज हमारे बीच कंप्यूटर भी नहीं होते। क्या आपको पता है कि दिन और रात कैसे होते हैं, सोलर और लूनर इक्लिप्स कैसे आते हैं, सीजन्स मंथ्स और ईयर्स कैसे चेंज होते हैं? नहीं तो दैट्स फाइन, बिकॉज आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट जिसको हम लोग सोलर मॉडल और ओरियरी भी कहते हैं, जिसमें मैंने 22 स्पार गियर्स और एक वर्म गियर यूज़ किया है फॉर मेकिंग मल्टीपल गियर ट्रेन्स जो हमारे सन मून और अर्थ के रिलेटिव मोशंस और पोजिशंस को सेट करेंगे। थैंक यू।